जो भी बातें आपके सामने हैं और हम सभी न्यायालय में भरोसा रखते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र इन्हीं बातों को लेकर चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों को खुद चुकी मॉनिटर कर रहे हैं और विधि विशेषज्ञों की राय भी ले रहे हैं, तो लेट हिम कम, उनको आने दीजिए, वो खुद सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। और सरकार हमेशा अनुशासन में रह के संवैधानिक तरीके से सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है। फेडरल सिस्टम में जिन चीज़ों में सहयोग लेना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाती है। और हम लोगों का मूल भावना जनादेश का आदर करना है। जो जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है, मैंडेट गठबंधन की सरकार को मिला है, उसका आदर सबको करना चाहिए, या विपक्ष के लोगों, केंद्र में हमारे दल की सरकार हो, हमारे दल की सरकार ना हो, सबको करना चाहिए। जनादेश का इज्जत सम्मान सर्वोपरि है। और जिस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके सामने स्वतः स्पष्ट है कि किस दौर में हम लोग सरकार को चला रहे हैं, तो सब चीज़ें जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे, तो आप भी मीडिया बंधु हैं, राज्य के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो हम लोग सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। राज्य के जनता के हित में जो काम है उसमें कोई कोताही नहीं है, एक से एक फैसले लिए जा रहे हैं, जो जनता से सरोकार रखता है, हमारे मैनिफेस्टो से सरकार रखता है, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं सौतेलापन आ रहा है, और जिसका परिणाम है कि युवाओं में आक्रोश है। लोगों को हमेशा जब हम कुछ करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहते हैं, 32 का खतियान लाना चाहते हैं, सरना धर्म कोड लागू करना चाहते हैं, तो कोई भी सरकार चाहेगी तो उसको विधेयक पास करना पड़ेगा, गवर्नर तक भेजना पड़ेगा, जहां एक सरकार के हाथ में है। उसके बाद अगला जो है, अब उसकी मंशा पता चलती है कि वो इन चीज़ों को होने देना चाहता है कि नहीं। जब आपके पास था तो आप कर सकते थे, आपने नहीं किया तो वेल एंड गुड। जब हम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप उन्हीं बातों को लेकर अधिवेशन भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन जब सर्वसम्मति से हम लोग विधानसभा में पारित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हिंड्रेंस दिया जाता है, रुकावट आता है, तो इन सब को लेकर हम लोग बराबर गुहार कर रहे हैं, उन्हें आग्रह कर रहे हैं कि ये जनहित से जुड़े लोग हैं और आप भी इसमें सहमति लोगों के सामने, मीडिया के सामने जताते हैं, तो टेक्निकली भी आप हमें मदद करें। टफ़ॉन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफ़ॉन XT के साथ।